कैसे हमने एक एसी की सर्विस की है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखकर अपने घर के अंदर जो स्प्लिट एसी लगी हुई है उसकी सर्विस बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि एसी की सर्विस कैसे की जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे यहां पे एलजी का स्प्लिट एसी लगा हुआ है। किसी भी कंपनी का हो, एसी की सर्विस ऐसे ही की जाती है। जो इसका ये बाहर का जो बॉडी है वो खुलने का तरीका सब कंपनी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सर्विस करने का तरीका होता है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो यहां पर मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करके दिखाने वाला हूं कि कैसे इसकी सर्विस करनी है, क्या क्या आपको इसके अंदर सावधानियां बरतनी है, इनकी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं जो ये एलजी का स्प्लिट एसी है, इसकी सर्विस करने के लिए इसकी जो बॉडी है, बाहर का जो कवर है, इसको हटाना पड़ता है। इसको हटाने के लिए यहां पे हमें क्या करना है, इस प्रकार का एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका नीचे वाला जो लॉक है वो इस प्रकार से यहां से हट जाएगा और दूसरी साइड से भी आप इसी प्रकार से हटा सकते हैं। हटाने के बाद ये थोड़ा नीचे इस प्रकार से इसके प्लास्टिक के लॉक होते हैं फ्रेंड्स, वो खुल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो लॉक सिस्टम है वो यहां पे हट गया है, इसका जो नीचे का कवर है वो हट गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का ये कवर है इसको भी हटा लेते हैं। तो फ्रेंड, जो स्प्लिट एसी का जो ऊपर का ये कवर है, यानी कि ये जो बॉडी है, ये हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर और एक यहां पर स्क्रू लगा हुआ है, तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन दोनों को ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं हमने दोनों स्क्रू को ओपन कर लिया है। इसको हटाने से पहले फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक फिल्टर होता है, उस फिल्टर को हमें हटा लेना है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसके ऊपर ये इस प्रकार का फिल्टर है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी सारी डस्ट जमी हुई है। अगर आपको अच्छे से नजर आ रही हो तो कैमरे के अंदर आप देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्लीन करने वाले हैं फ्रेंड्स। मैं आपको नजदीक से भी दिखाऊंगा, इसका ये कवर हटाने के बाद मैं आपको इसके डीप के अंदर क्या कुछ इसकी हालत है वो भी मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो ऊपर का फिल्टर था उसको हमने हटा लिया है। हटाने के बाद जो ये ऊपर की बॉडी है, यानी कि इसका कवर है, इसको भी हटा लेते हैं। इसको हटाने के लिए आपको सिंपली इसको इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो ऊपर की बॉडी थी वो भी हमने हटा ली है। अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा अंदर का सिस्टम है, बहुत ज्यादा खस्ता हालत में है। मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा तब आपको पता भी लग जाएगा। तो हमने इसको कंप्लीटली ओपन कर लिया है, अभी मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, एसी के अंदर की जो फिंग्स है वो कितनी ज्यादा डस्ट में भरी हुई है, यानी कि इसके अंदर कितनी ज्यादा डस्ट फंसी हुई है। अगर हम बिना सर्विस के ऐसे ही इस एसी को चलाते रहेंगे तो अंदर की जो फिंग्स है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी और हमारी एसी जो है वो काम करने के लायक ही नहीं रहेगी। अभी हमें इसकी वेट क्लीनिंग करनी है। वेट क्लीनिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये इसके अंदर पीसीबी बोर्ड है, यानी कि इसका कंट्रोलर जो है, इसको पोलोथीन के द्वारा कवर कर देना है। कवर हम क्यों करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको पानी से साफ करने वाले हैं। पानी से साफ करेंगे, यानी कि प्रेशर है वो इसके ऊपर ना लगे, इसलिए हम इसको पोलोथीन के साथ ढक देंगे, जिससे कि हमारा जो सर्किट बोर्ड है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो अभी हम इसको पॉलिथीन से कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसके सर्किट बोर्ड को हमने पॉलिथीन की मदद से कवर कर लिया है। अभी हम इस एसी को क्लीन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसकी क्लीनिंग करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक बैग मंगाया है। ये एसी की सर्विस करने का बैग आता है, जो कि हमने अमेजोन से मंगवाया है। इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बैग को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एसी की सर्विस करने के लिए, वेट सर्विस करने के लिए इस प्रकार का एक बैग आता है। ठीक है, ये क्या काम आएगा फ्रेंड्स, इस बैग के द्वारा अगर आप एसी की सर्विस करेंगे, जो हम इसके अंदर प्रेशर से पानी मारने वाले हैं वो इधर उधर दीवार पे नहीं फैलेगा, यहां पर अंदर कचरा नहीं होगा, वो सारा का सारा जो डस्ट आएगी वो इसके अंदर ही जाकर नीचे ड्रेनेज में चली जाएगी। वो भी प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बैग को इसके ऊपर चढ़ा देना है, यानी कि कवर कर देना है इसके ऊपर। तो यहां पर इसको कवर करना बहुत ही आसान है, मैं जल्दी से इसको कवर कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो हमारी एसी है उसके ऊपर हमने ये सर्विस करने वाला बैग अच्छे से कवर कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ये चैन दे रखी है, इन चैन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन क्यों करेंगे फ्रेंड्स,
अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें इसके अंदर से ही प्रेशर मारना है। जब हम इसके अंदर प्रेशर मारेंगे, जो पानी है वो यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ये जो इस प्रकार की एक पाइप बना रखी है, पाइप के थ्रू नीचे हम बाल्टी लगा देंगे। उस बाल्टी की मदद से पानी वहाँ पे जो कचरा होगा, पानी कचरे वाला पानी होगा, वो सारा का सारा बाल्टी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो दीवार है, वाल है, या फिर आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, जो हम पानी का प्रेशर यूज करने वाले हैं वो सिस्टम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, एसी की वेट क्लीनिंग करने के लिए यहां पर हमने एक लिया है हाई प्रेशर वाशर, जो कि अमेरिकन मैक्रोनिक कंपनी का है। इसकी मदद से हम एसी को वॉश करने वाले हैं। ये हमने एक पानी की बाल्टी ली है, ये पानी इसके इनलेट में जाएगा और आउटलेट में हाई प्रेशर वाशर मिलने वाला है। तो इस गन की मदद से हम प्रेशर वाशर की मदद से वॉश करने वाले हैं। और जो बैग का आउटलेट था, जो ड्रेन पाइप था, वो हमने बाल्टी के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर जो कचरा वगैरह हुआ इकट्ठा हो जाएगा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसा इसकी हालत है, क्या कुछ इकट्ठा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रेशर वाशर खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसकी वॉशिंग करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से हम इस हाई प्रेशर की मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, एसी की जो वेट क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी कैसी क्वालिटी है, इसकी फिंग्स कैसी साफ हुई है, वो मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बैग हमने लगाया था इसको हटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, एसी की क्लीनिंग करने के बाद इसकी जो फिंग्स की क्वालिटी है, इसकी जो क्लीनिंग है, आप देख सकते हैं, एक एक फिंग्स को गिन सकते हैं। उससे पहले की हालत मैंने आपको दिखाई थी कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर डस्ट फंसी हुई थी। अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने कवर हटाए थे उनको भी साफ कर लेना है। लेकिन साफ करने से पहले फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर का जो कचरा इकट्ठा होके बाल्टी में इकट्ठा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो ड्रेनेज इकट्ठा करने के लिए हमने बाल्टी लगाई थी और जो बैग का ड्रेन पाइप था वो हमने बाल्टी के अंदर लगाया था। अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो कितना गंदा पानी आया है, जो कि एसी की जो फिंग्स क्लीन होने के बाद जो डस्ट वगैरह है सारी क्लीन होकर इसके अंदर इकट्ठी हो गई है। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं पानी की, कितना गंदा हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपनी एसी की क्लीनिंग कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो एसी के बाहर से जो हमने कवर वगैरह हटाए थे उसको अच्छे से वॉश करेंगे पानी के साथ, और फिर इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आउटडोर को किस प्रकार से क्लीन किया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये ऊपर के पार्ट थे, इस प्रकार के जो पार्ट हमने खोले थे, उन पार्टों को इसके ऊपर असेंबल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारी एसी का आउटडोर, इसको हमें क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे जो ये इसका फ़ैन है, जो आउटलेट में हवा, गर्म हवा फेंकता है, इसका जो ऊपर का कवर है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को ओपन कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है, और आपको सिंपली इसको थोड़ा सा इधर घुमाना है, और घुमाने के बाद ये सिंपली इस प्रकार से निकल जाएगा। निकलने के बाद आप इसके अंदर की कंडीशन देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी फंसी हुई है। इसकी जो फिंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एसी के जो आउटडोर के अंदर है बहुत ज़्यादा मिट्टी और कचरा फंसा हुआ है। इसकी जो फिंग्स है वो देख सकते हैं काफ़ी जगह पर तो रुकी हुई भी हैं। अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी जगह पर आपको इनके अंदर कचरा दिखाई देगा। तो इसको हमें बिल्कुल क्लीन करना है। क्लीन भी हम वही प्रेशर वाशर की मदद से ही करने वाले हैं। अगर मैं आपको इसकी दूसरी साइड से दिखाऊं तो इसकी क्या हालत है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी जो फिंग्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा फंसा हुआ है। अभी हमें क्या करना है, हाई प्रेशर वाशर की मदद से इसको भी क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका कंपार्टमेंट जो है वो अलग से है। इसके अंदर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर पानी चला जाएगा, कुछ पॉलिथीन लगा लेते हैं, तो ऐसी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर हाई प्रेशर से क्लीनिंग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आउटडोर की जो फिंग्स है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। हमने इसको चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर दिया है। अगर मैं आपको इसके अंदर की कंडीशन दिखाऊं, इसके अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे क्लीन हो गया है, और इसकी फिंग्स देख सकते हैं सारी की सारी फिंग्स जो है वो क्लीन हो चुकी हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके जो ऊपर का हमने ये कवर हटाया था इसको भी वॉश करके इसके ऊपर फिट कर देना है, यानी कि इसको जैसे हमने खोला था वैसे के वैसे इसके ऊपर लगा देना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि भी आपने देखा कि कैसे हमने एक एसी की सर्विस की है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखकर अपने घर के अंदर जो स्प्लिट एसी लगी हुई है उसकी सर्विस बड़े ही आराम से कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की एसी क्यों ना लगी हो, आपको इसी प्रकार से सर्विस करनी है। किसी किसी की जो खुलने की सिस्टम होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो सर्विस करने का सिस्टम है वो यही है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये सर्विस करने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको एसी क्लीन करने वाला यानी कि सर्विस करने वाला बैग खरीदना है या फिर हाई प्रेशर वॉशर खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।